नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे आप पीएनबी वन के माध्यम से मनी ट्रांसफर कैसे कर सकते हैं ऑल इंडिया, और आप किसी भी बैंक में यहां से पैसे भेज सकते हो। तो कैसे कीजिएगा, चलिए आपको हम मनी ट्रांसफर करके दिखा देते हैं। इसके लिए पहले आपको इसमें अपना एम पिन डाल के लॉग इन करना होगा। जब अपना एम पिन डाल के लॉग इन कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका इंटरफेस देखने के मिल सकता। आप यहाँ देख पाओगे तो आपको मनी ट्रांसफर करके देखिए, सबसे ऊपर में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रांसफर की, फिर आपको इसी ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप ट्रांसफर पर क्लिक कीजिएगा, आपको तीन ऑप्शन मिलेगा यहाँ से मनी ट्रांसफर करने के लिए, एक रेगुलर ट्रांसफर, दूसरा एक क्विक ट्रांसफर और तीसरा नेपाल रिमिटेंस। आप इन तीन माध्यम से यहाँ से पैसे भेज सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा, या फिर आप जिनको भी पैसा भेजना चाहते हैं उनका बैंक अकाउंट ऐड करना होगा। बैंक अकाउंट ऐड करने के लिए फिर आपको बैंक चले आना होगा। बैंक आने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा माई पे का, फिर आपको इसी माई पे पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, आपके सामने एक नया विंडो खुलकर ओपन हो जाएगा। आप यहाँ देख पाएंगे, यहाँ जैसा कि देख पाएंगे हम पहले से चार बैंक अकाउंट को ऐड करके रखे हुए, तो आप इस प्रकार से जब ऐड कीजिएगा तभी आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ से मनी ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो पैसे भेजेंगे, देखिए यदि आप उनको पैसे भेजें जिनका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में, तो आप डायरेक्ट यहाँ से उनको पैसे भेज सकते हैं। जिनको आप पैसे भेज रहे हैं उनका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में नहीं है, किसी और बैंक में, जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, किसी भी बैंक में, तो उनका अकाउंट ऐड करने के लिए आपको ऑप्शन मिलेगा अदर बैंक का। फिर आपको इसी पर क्लिक करूँगा अदर बैंक पर, उसके बाद नीचे में आपको एक प्लस का आइकन नजर आएगा, फिर आपको इस प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपको बैंक अकाउंट ऐड करने का ऑप्शन मिल सकता है। आप यहाँ देख पाएंगे पहले बोल रहा है बीथन, यदि आप उनको पैसे भेज रहे हैं जिनका कि पंजाब नेशनल बैंक में अकाउंट है, तो आप डायरेक्ट उनका अकाउंट नंबर डाल के यहाँ से पैसे भेज सकते हैं। लेकिन अदर किसी और बैंक में मनी ट्रांसफर करने के, देखिए आपको अदर का ऑप्शन नजर आ रहा है, फिर आपको अदर के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ से आपको उनका सारा डिटेल फिलअप करना होगा। सबसे पहले बोल रहा है निक नेम, तो आपको निक नेम डालना होगा, फिर आपको नाम डालना होगा। उसके बाद ये बोल रहा है अकाउंट नंबर कन्फर्म, अकाउंट नंबर एफ सी को दिए, सारा डिटेल आपको यहाँ फिलअप करना होगा सही से उनके पासबुक से देख करके। चलिए सारे डिटेल आपको फिलअप करके हम दिखा देते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, हम देखिए सबसे ऊपर में नाम निक नेम डाल दिया, उसके बाद जो अकाउंट होल्डर का नाम था वो नाम डाल दिया, उसके बाद कंफर्म अकाउंट नंबर और अकाउंट नंबर दोनों सेम चीज़ डाल दिए उनके पासबुक से देख करके। आपको पासबुक में उनका अकाउंट नंबर देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद उसी के पासबुक से देख करके आई एफ सी कोड भी एंटर कर दिए, जैसे कि बैंक का बड़ौदा था। जैसे आप अपना आई एफ सी कोड डालेगा तो आपका बैंक का नाम नीचे देखने के लिए मिलेगा। आप यहाँ देख पाएंगे बैंक ऑफ बड़ौदा और ब्रांच भी बैंक ऑफ बड़ौदा। उसके बाद आपको एड्रेस फिलअप करना, तो आप एड्रेस कुछ भी फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कितना आप पैसा भेजना चाहते हैं इस बैंक अकाउंट में एक दिन में, जैसे कि हम 50,000 की लिमिट लगा दिए, आप मैक्सिमम 5,00,000 तक एक दिन में पैसे भेज सकते हैं। हम यहाँ से 50,000 की लिमिट लगा दिए। उसके बाद आप एक महीने में कितना ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं, आपको ट्रांजेक्शन भी दर्शाना होगा इस अकाउंट के साथ। हम एक महीने में कम से कम 10 बार ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, यदि आप यहाँ जितना ट्रांजेक्शन इंटर कीजिएगा आप उतना बार यहाँ से पैसे भेज सकते हैं उस बैंक अकाउंट में। उसके बाद फिर आपको टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होगा। उसके बाद आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा ऐड का, फिर आपको ऐड के ऊपर क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप ऐड के ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नया विंडो खोल के ओपन हो जाएगा। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद देखिए बोल रहा है प्री कन्फर्म, फिर से आपको एक बार कन्फर्म कर लेगा आपका सारे डिटेल सही से है या फिर नहीं। यदि कुछ गलती हो तो आप कैंसिल के ऊपर क्लिक करके दोबारा से सही से इंटर कर सकते हैं। यदि सारा चीज़ सही से, फिर आपको देखिए अलग में ऑप्शन मिलेगा ऐड का, फिर आपको इसी ऐड के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस ऐड के ऊपर क्लिक किए, यहाँ से आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। इससे पहले आपको अपना ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालना होगा जो आप रजिस्टर करने के दरमियान बनाए होंगे। चलिए यहाँ से ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल लेते हैं। जब सही से ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालिए, उसके बाद आपको कन्फर्म पर क्लिक करना होगा। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा, आपके वह रजिस्टर मोबाइल नंबर पर OTP सेंड किया जाएगा पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से, जो भी आपके बैंक और रजिस्टर मोबाइल नंबर होगा। जैसे कि आप यहाँ देख पाओगे मेरा OTP आ चुका है, चलिए यहाँ से अपना OTP डाल देंगे। सही से OTP डालने के बाद फिर आपको देखिए कन्फर्म का ऑप्शन मिलेगा, आपको कन्फर्म पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक कीजिएगा, देखिए बोल रहा है बेनिफिशियरी एड सक्सेसफुली विदिन रेफरेंस आईडी भी इतना तक जनरेट हो चुका। उसके बाद आपको 2 घंटे के बाद ही आप इस बैंक अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। 2 घंटे के पहले यदि आप सेंड कीजिएगा तो यहाँ से सेंड नहीं होगा। तो आप इस प्रकार से बेनिफिशियरी ऐड करके पंजाब नेशनल बैंक के अकाउंट के साथ मनी ट्रांसफर कर सकते हैं।